बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये समझा था। आज हम सॉलिबिलिटी रिलेटेड यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स और उसकी इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या एप्लीकेशन है, राइट द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर अ स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। किसी स्पेलिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की KSE की एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहला काम हमें ये समझना है। फिर दूसरे फाइंड द सॉल्युबिलिटी, यानी आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करने के लिए कहा जाएगा जब सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज नॉन, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट गिवन होगी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट मालूम करने के लिए कहा जाएगा। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी, यानी अब आपको सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट मालूम करनी होगी जब आपके पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी। KSE गिवन है कि सॉलिबिलिटी मालूम करना है, यहाँ पे सॉलिबिलिटी से सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना है। तीन टाइप के प्रॉब्लम्स तो ये है। चौथा है एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या हुआ टू डिसाइड, यानी आपको ये डिसाइड करना है वेदर द प्रेसिपिटेट विल फॉर्म और नॉट, प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। व्हेन आपके पास गिवन क्या क्या होगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSE की वैल्यू गिवन होगी एंड द कंसंट्रेशंस ऑफ डिसॉल्वड आयन आर गिवन, यानी दोनों चीजें आपको गिवन है, KSE भी गिवन है और सॉलिबिलिटी दोनों आयंस जो है वो आयन की कंसंट्रेशन भी गिवन होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे या नहीं, तो उसके लिए तीन कंडीशन है। अगर आपके पास जो है वो आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSE आता है, यानी ये प्रोडक्ट जो है वो बड़ा हो जाए और KSE की वैल्यू छोटी हो, तो प्रेसिपिटेट जो है वो बनेंगे। और अगर आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू KSE से कम हो जाए तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है। जब आपके पास आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू और KSE की वैल्यू सेम आ जाए, यानी इक्वल आ जाए, इसका मतलब अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, यानी अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ये पूरे प्रॉब्लम्स हैं, हाँ एक एक करके अब हम तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप सबसे पहले नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, इसी सीक्वेंस से हम सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।